देखो साथियों, ऐसा है कि इसी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्वी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट की घोषणा की है। सबसे बड़ी समस्या तो अजमेर के अंदर पानी की है, जो कि अभी शायद मैडम विधायक जो अनिता बच्चन ने भी उठाई कि पानी का प्रेशर कई इलाकों में बिल्कुल ना के बराबर है और कई इलाकों में पानी 96 घंटे के अंदर मिल रहा है। आपको भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है, नगरवासी को भी जानकारी है कि ये पूरा पानी का सोर्स हमारा बिशलपुर है, जहाँ से पानी आ रहा है। और इसके अलावा अगर पानी की प्रॉब्लम है तो राज्य सरकार ने माननीय कलेक्टर साहब को अलग से बजट का प्रावधान किया हुआ है, टैंकरों से पानी पहुँचाओ, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो। और हमारी कोशिश होगी कि समय पर सबको पानी मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि आबादी बढ़ गई और पानी की कमी काफ़ी है, आपने खुद ने माना है, यहाँ पर आप मीटिंग में थे, अधिकारी से संवाद हुआ आपका, तो सबसे बड़ी बात है उसके लिए क्या कोई नया प्रस्ताव, नई पाइपलाइन डालना या कुछ ऐसा कुछ होने रहा? देखो साथियों, ऐसा है कि इसी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्वी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट की घोषणा की है। और मेरे विभाग की बात है, करीबन 39,000 करोड़ की ये योजना है और हम जल्दी से जल्दी इस योजना को कार्य रूप में लाना चाहते हैं, ताकि करीबन राजस्थान के 13 जिले ऐसे हैं जो पानी से बहुत त्रस्त हैं, उन जिलों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। और ये काम हम बहुत जल्दी करने वाले हैं ताकि एक समस्या हमेशा दूर हो जाए। तो इसके लिए कोई नई पाइपलाइन, स्मार्ट सिटी बन रही है, तो किस तरह से आप व्यवस्था? नई पाइपलाइन भी लगानी पड़े तो लगाएंगे, तभी तो मैं कह रहा हूँ जब इतना बड़ा 39,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो वो अजमेर को भी देंगे, ब्यावर को भी देंगे, जयपुर को भी देंगे, दौसा को भी देंगे, अलवर को भी देंगे, भरतपुर को देंगे, सवाई माधोपुर को देंगे, कई जिलों को इसका फायदा होने वाला है। देखो सरकार और प्रशासन और हम सभी एकजुट होकर हम काम कर रहे हैं। और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बजट घोषणा की है, उन बजट घोषणाओं का ठीक ढंग से हम धरातल पर अगर लेके आते हैं तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इससे बढ़िया कोई राज्य देश में नहीं हो सकता है। आप भी इस बात को स्वीकार करोगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख तक दवाई को फ्री कर दिया, जांचें सब फ्री कर दी, बिजली के अंदर भी 50 यूनिट तक माफ़ कर दिया, कोई कम बात नहीं है ये। तो अधिकारी काम कर रहे हैं, अजमेर राजधानी के नज़दीक है, इसका उसको फ़ायदा भी मिल रहा है। अधिकारियों से 1-to-1 बात हुई है, कई विभाग ऐसे हैं जो राजस्थान के अव्वल स्थान पे अजमेर में हैं। देखो ऐसा है कि ये विभाग ऐसे हैं या स्थान ऐसा है जहाँ पे कोई कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ है, कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। फिर भी मैंने दोनों ही विभागों को और कलेक्टर साहब को निर्देश जारी किए कि जल्दी से जल्दी कमेटी बनाएं और कमेटी बना के पट्टू की समस्या है वो दोनों विभाग को साथ में बैठ के इसका निराकरण कराएं। लंबे समय से मांगे, उस मांग को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी से मैंने ये निवेदन किया है कि अजमेर उत्तर में विधानसभा क्षेत्र में जो जिन लोगों के नाम कटे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी के अंदर है कि न्याय संगत रूप से कटे, जिन लोगों जिनकी डेथ हुई है, जो लोग दूसरे वार्डों में थे, जिसमें कई लोग जैसे अजय नगर के थे उनके नाम लिखे गए थे, जो लोग दूसरी जगह के लिखे हुए थे उन लोगों के नाम काटे हैं। तो हम लोगों ने मंत्री जी से ये निवेदन किया, निष्पक्ष रूप से उसकी जांच कराई जाए और निष्पक्ष रूप से जिन लोगों के डबल नाम हैं, जो जो जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, जो लोग दूसरे विधानसभा में रहते हैं उनका नाम यहाँ ऐड किया हुआ था, उन लोगों के नाम काटे जाए, न कि बीएलओ के दबाव में लिया जाए। क्योंकि वासुदेव देवनानी जी की आज तक की नीति प्रथा रही है कि वह अधिकारी कर्मचारी को प्रभाव में लेकर अपने काम को करवाने का उनकी जो नीति रही है उसके अंदर से उनके निष्पक्ष रूप से लोगों का मतदाताओं का नाम लिखा जाना चाहिए।